बहुत ही एक गर्व का क्षण महसूस करेंगे आप इनके संगठन के काम को देखते हुए। बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बहुत गर्व महसूस करेंगे इस संगठन को जब आप देखेंगे, इनका काम देखेंगे। स्वयं सैनिक दल के नाम से संगठन है और सारे के सारे अपने खर्चे से ना पैसा लेते हैं ना किसी संगठन को पैसा देते हैं ये लोग। और गुजरात से चलकर अम्बेडकर भवन से पैदल मार्च कई हजार लोग, और इवन की पुलिस ने भी कोशिश किया इस प्रोग्राम को खराब करने के लिए। हमने वहां खुद देखा, वहां पर काफी झड़प भी हुई पुलिस वालों से, तो बड़ा मुश्किल उनको किसी तरह समझा करके, भिक्षुओं के साथ भी बहस हुई, तब जाकर के ये पैदल मार्च करके यहां तक पहुंचे। इस संगठन के अंदर ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई उपाध्यक्ष है, ना कोई महासचिव है, किसी के पास कोई पद नहीं है। बिल्कुल स्वयं की तरीके से और अपने खर्चे से सारा ये बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। गुजरात इतने कई हजार किलोमीटर से ज्यादा से दूर से चल करके आकर के, और इतना बड़ा संगठन, मैं तो गर्व से कह सकता हूँ कि पहला ऐसा संगठन देश के अंदर देखा है मैंने। अदरवाइज तो कहीं ना कहीं लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ या अपने खुद के स्वार्थ के लिए संगठन बनाते हैं, लेकिन इस संगठन के अंदर ये चीज आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। आप लोग प्लीज सैनिक को जाने दें, आप जाइए भाई। ये आप कहाँ से? गुजरात से। गुजरात कितने लोग आए? हम हजारों की संख्या में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2 लाख से ऊपर है, 2 लाख से ऊपर लोग बता रहे हैं कि संख्या से दिल्ली है। बहुत एक सिस्टमेटिक संगठन है, बहुत रूल शांति प्रिय सब चीज को ये संगठन फॉलो करता है। एक बहुत बड़ी बात है हजारों की संख्या में उनको कंट्रोल करना और एक सिस्टमेटिक तरीके से शांति पूर्वक एक लंबा मार्च अंबेडकर भवन से यहाँ तक कई किलोमीटर का रास्ता, और पुलिस ने भी इसके अंदर काफी तकलीफें डालने की कोशिश की, लेकिन उसको भी हल करते हुए शांति के साथ पूरा पार्लियामेंट तक ये कार्रवाई पहुंच चुका है। कई हजार सैनिक हैं, कई हजार सैनिक, तो उम्मीद करते हैं कि अब जहां कहीं भी बहुजनों पर अत्याचार होगा ये संगठन वहां जाकर के उनसे टक्कर लेने के लिए मैं समझता हूँ काफी मजबूती से काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो हम पूरे संगठन को, हाँ ठीक है, स्वयं सैनिक दल को हम सैल्यूट करते हैं, उनके सैनिकों को सैल्यूट करते हैं कि इतना शांति प्रिय मार्च उन्होंने वहां से अंबेडकर भवन से यहां तक तय किया है। और उम्मीद करते हैं अगर ये संगठन पूरे देश के अंदर अगर इसी तरह से फैल करके पूरा ये संगठन अगर तैयार हो गया तो जो बहुजनों का उत्पीड़न होता है मैं समझता हूँ कि उसको रोकने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है जो अभी तक दूसरे संगठनों में कहीं नहीं दिखती। साथियों ये देख रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्वयं सैनिक दल के जो सैनिक हैं कई हजार लाखों की संख्या में गुजरात से चल करके दिल्ली आए हैं, और एक बहुत जबरदस्त एक मैं समझता हूँ कि शायद जब से बाबा साहब का बर्थडे है सेलिब्रेशन हो रहा है पहली बार एक ऐतिहासिक नजारा आप देख रहे होंगे कि जहाँ लाखों की संख्या के अंदर स्वयं सैनिक दल जिसका टारगेट है लोगों को पूरे भारत को बौद्ध में बनाना। और जब मैंने उनसे कई बार बात की तो मैंने एक शख्स से पूछा सैनिक से कि काशीराम साहब को किस रूप में देखते हैं, तो उनका कहना था कि काशीराम तो हमारे हीरो हैं। तो मतलब उस तरह की विचारधारा को ये लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो मुझे अभी तक कोई दूसरा संगठन चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो या किसी भी रूप में काम कर रहे हैं वो ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। और ये सारे के सारे सबसे बड़ी खूबी इनके संगठन में किसी का कोई पद नहीं होता है, किसी का कोई लालच नहीं है, कोई किसी से पैसा इकट्ठा नहीं करता है। आप ये जितने भी सैनिक देख रहे हैं सब अपने पैसे से अपना पैसा खर्च करके दिल्ली तक पहुंचे हैं, और ये अब लौट रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पार्लियामेंट संसद के अंदर सलामी दे करके। एक पूरा सिस्टम जिस तरह से
एक आर्मी में फॉलो होता है या एक पुलिस डिपार्टमेंट में फॉलो होता है, उस तरीके से फॉलो करके बाबा साहब को सलूट करके नमन करके निकल रहे हैं। और अब इनका जो रैली और सभा होगा वो त्रिलोकपुरी एक क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली के अंदर। गौतम रत्ना और हम खड़े हैं दिल्ली के चिल्ला गांव में, जो एक बहुजन बहुल गांव है दिल्ली का, और यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट किस तरह से रफ्तार ले रही, किस तरह से बढ़ रही है, तो यहाँ की कुछ महिलाओं से बात करेंगे। आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है बाबा साहब, क्या मकसद है, क्या मैसेज देना चाहते हैं खासतौर से? नहीं, अगर बाबा साहब हमारे लिए इतना स्टैंड नहीं ले पाते तो आज हम यहाँ ना होते, ठीक है? बाबा साहब की वजह से आज तक जैसी औरतें हैं आगे बढ़कर हर चीज में कंट्रोल नहीं कर पाती, और बाबा साहब की ही आप लोगों को बराबरी का अधिकार। बाबा साहब की वजह से हमें बराबरी का हिस्सा मिला है, वरना हम लोगों को पूछ कौन रहा था? अगर हम बाबा साहब को ना बताएं शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। शिक्षा ही है हमें जो मतलब अपने ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचा सकती है। एक प्रधानमंत्री शिक्षित प्रधानमंत्री होगा, शिक्षित मतलब शिक्षित व्यक्ति होगा तो प्रधानमंत्री हर मतलब पोस्ट तक पहुंच जाए। शिक्षा के द्वारा ही हम बाबा साहब को ऊंचा और भी ऊंचा कर सकते हैं। ये पहला सिद्धांत बाबा का सिद्धांत है शिक्षित पर। और दूसरा सिद्धांत बताइए, संगठित रहो और संघर्ष। हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे अच्छे अच्छे पोस्ट पे हमारे लोग ही बैठे हैं पढ़ लिख कर, बट बाबा आपने हमें इतना बताया है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा पढ़ा रहे हैं लोग। आपको ये मालूम है बाबा साहब हिंदू विरोधी थे और पूजा पाठ पाखंड के थे, तो आप तो पूजा करते हैं? नहीं, मैं पूजा नहीं करती, पर मैं हाथ जरूर जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ लेते हैं भगवान और बाबा साहब, हाथ जोड़ लेते थोड़ा धीरे धीरे। आप बताइए। लेकिन मैं पूजा के पूजा करनी एक अलग चीज है, कुछ एजुकेशन लेकिन आप बच्चे पे ध्यान दो, आप पूजा कर रहे हो तो आराम आराम से उसको अलग करो, लेकिन बच्चे को नहीं दबाते लगता है उसमें भी पूजा करो। ये पूजा से पास हो सकता है क्या? नहीं, नहीं वो तो आप खुद पे बच्चे पे ध्यान देना, पूजा से फायदा क्या होता है? कुछ नहीं होता, फिर भी ये लोग मानते नहीं। ये पूजा बिल्कुल बेकार है, जीते जी तो माँ बाप को रोटी नहीं देंगे। मरने के बाद पूजा, मरने के बाद पूजा, मरने के बाद उनको माला चढ़ा। हम भगवान को जानते ही नहीं है ना, हम माला चढ़ाएंगे तो अपने जो बड़े बूढ़े हैं, अपने सास ससुर हैं उन पे चढ़ाएंगे जो मर गए हैं, जिनको हमने जन्म दिया, जिसके हम वंश वेद चलते हैं, तो हम भगवान को नहीं मानते। बहुत अच्छे धन्यवाद है आपको। हमने अपने घर से विदा कर चुके हैं कई साल हो चुके हैं, और जो पड़ोस के लोग हैं इन्हें समझा रही हूँ, लेकिन ये अभी थोड़े थोड़े समझ नहीं रहे, अभी जरा माता खाटू शाम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा ऐसा है, मैं चाहती हूँ की ये थोड़ा सा कम करे, अपने घर में ही कंट्रोल करनी है तो तुम्हें अपने मन की शांति के लिए, लेकिन कहीं मंदिर में मत जाओ। तो आप थोड़ा कोशिश ज्यादा कीजिए, घर घर से आया कीजिए, कभी हमारी जरूरत पड़े हमारे युवा साथी हैं, ये सब जाने के लिए तैयार है, सब जाने के लिए तैयार है। सामने कोई भी लेडीज आके बैठती है तो मैं यही समझाती हूँ, आप पूजा को अलग करिए और धीरे 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 तब छूटता जा रहा है। आज जो मेरे ये बाबा साहब सबसे जो पल्ला आया है ना नीचे बाबा साहब नहीं तो घूंघट में चल रहा था, बाबा साहब का स्थान सिखाया जी जी, बाबा साहब ने बाबा साहब ने पढ़ाई, फिर भी ये उनकी पूजा करते हैं। ये लोग बात करते हैं, करके घूम रहे हैं, लोग बात करते हैं, हम तो पूजा करते हैं, हमने तो अपने बड़े बूढ़े की बहुत भगवान प्यारे हैं। माता जी कितने बुजुर्ग हैं और बाबा साहब के बारे में कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में
बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन@gmail.com पर। धन्यवाद।